जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं भारतीय पंजाब चंडीगढ़ से। इतवार के रोज कत्ल होने वाले भारतीय गुलूकार सिद्धू मूसेवाला पर हमले के लिए AK-94 राइफल्स के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। सिद्धू मूसेवाला पर 8 मुलजमान ने हमला किया, जिनके पास 3 अदद AK-94 राइफल थी। AK-94 राइफल भारतीय पंजाब में बहुत ही कम दस्तियाब हो पाती है। मुलजमान ने गुलूकार पर 30 गोलियां फायर की। भारतीय पंजाब के पुलिस चीफ का कहना है कि मौका वारदात से पुलिस ने AK-94 राइफल्स के 30 खोल जमा किए हैं। सिक्योरिटी हटाए जाने के हवाले से पुलिस चीफ का कहना था कि सिद्धू के साथ 4 गार्ड्स होते थे, जिनमें से 2 को वापस बुला लिया गया था, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार और गुलूगढ़ा कतलेआम की बरसी आ रही है और इसके लिए अजाफी फोर्स दरकार है। ख्याल रहे कि भारतीय गुलूकार सिद्धू मूसेवाला को जिला मानसा के करीब जवाहर के में कत्ल किया गया। गुज़श्ता रोज पंजाब हुकूमत की रियासी हुकूमत ने इन समेत 420 अफराद से सिक्योरिटी वापस ले ली थी। सिद्धू मूसेवाला पर 30 गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में इनके साथ मौजूद दीगर 2 अफराद जख्मी हुए हैं। फायरिंग के बाद सिद्धू मूसेवाला को फौरी तौर पर मानसा के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। यहाँ ये भी याद रहे कि 29 साल गुलूकार ने हालिया रियासती इंतखाबात में कांग्रेस की टिकट पर मानसा की नशिस्त से इलेक्शन लड़ा था। ताहम वो आम पार्टी आदमी के एक ऐसे शख्स से इलेक्शन हार गए, जिसको कुछ रोज पहले ही इनकी अपनी ही पार्टी ने करप्शन के इल्जामात पर काबीना से बेदखल किया था।